नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 99 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जहाँ हमारा भारतीय कानून हमें आत्मरक्षा करने का अधिकार देता है। वहीं धारा 99 में कुछ सीमाएं रखी गई हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इन्हीं सीमाओं के बारे में, इन सीमाओं का उल्लेख धारा 99 के प्रावधान में है। तो धारा 99 में क्या है, आज हम उसको जानेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और उसे उदाहरण सहित समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। साथ में मित्रों, ये भी कहना है कि एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पेज को विजिट जरूर करें। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं जो बहुत सारे कैटेगरीज पे हैं, जैसे लीगल ड्राफ्टिंग, CRPC, IPC और भी बहुत सारे अनेक इंपॉर्टेंट इश्यूज पे हैं। तो उस पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोस है, तो इसे आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पे हम जानेंगे कि सेक्शन 99 में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियाँ हैं। राइट टू प्राइवेट डिफेंस यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा, आत्मरक्षा के जो अधिकार हैं उसमें कुछ पाबंदियाँ हैं। वो पाबंदियाँ क्या हैं आज हम उसको जानेंगे। तो इसका उल्लेख सेक्शन 99 में किया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 99 में क्या है, बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है और फिर हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पैनल कोड सेज एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके अगेंस्ट में आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। वो क्या है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यानी ऐसी कोई घटना जहाँ पे कोई गंभीर चोट या जान जाने की संभावना नहीं है, वहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। जब यह कार्य जो है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा यानी किसी लोक सेवक के द्वारा किया जा रहा हो और वह लोक सेवक जब किसी सरकारी, लोक सेवक जरूरी नहीं है कि वह सरकारी कर्मचारी हो सकता है वो किसी सरकारी ऑर्डर या सरकार के किसी आदेश के पालन हेतु आया हो या कोर्ट के किसी आदेश हेतु के पालन हेतु आया हो, तो वैसी स्थिति में वो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट ही कहलाएगा। तो इसमें आगे दिया हुआ है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रिहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाई द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट acting in good faith under color of his office, though that direction may not strictly justifiable by law। इसमें यह भी कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है और वो कार्य जो है पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है, अगर पूरी तरह से न्यायोचित कार्य नहीं है तो भी किसी को, जब तक ये आशंका ना हो कि उसके जान पे बनाई है या उसको कोई गंभीर चोट लगने वाली है, उसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है। तो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनके विरुद्ध ये जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये पाबंदियां दी गई हैं सेक्शन 99 में। तो ये था हमारा वीडियो सेक्शन 99 ऑफ द इंडियन पैनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के ऊपर। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और साथ में इसे अपने दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।